गीताधाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक भूगोल, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण भाग 2 दिनांक 19/12/2020 अध्याय वायु। कल हमने 18/12/20 को वायु दाब के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है और कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप वह भारी होती है। भारी वायु निम्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और सुस्त आकाश दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत हमने देखा होगा आपने कि हमारे सर्वप्रथम आता है, जैसे 25 अक्टूबर 1999 को एक पूर्व पोर्ट प्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उस मौसमी उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा, गहन होकर उसमें महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया, जिसके अंतर्गत उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुंडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया और कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र को अनुपजाऊ हो गए। साल सागवान और बांस, साल सागवान, साल सागवान और बांस, बांस के पौधे बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए और कोणार्क के बीच स्थित मैग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। फिर आता है आर्द्रता, जैसे देखिए आर्द्रता के अंदर हम एक जैसे मान लीजिए चित्र बनाते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे देखिए कि जैसे ये हम एक बनाते हैं, जिसके अंतर्गत चक्रवाती वर्षा, जैसे चक्रवाती वर्षा जिसके अंदर ठंडी वायु और ठंडी वायु और गर्म वायु यहां पर, ये ठंडी वायु है यहां पर जैसे, और ये वहां पर आर्द्रता, जब जल पृथ्वी विभिन्न जलायों से वाष्पित होता है तो वो जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय वायु में किसी भी समय
किसी भी समय जलवाष्प में, जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक अधिक होती है, उसे आर्द्रता कहते हैं, उसे आर्द्रता कहते हैं। जो हमें आर्द्र दिन कहते हैं, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और वायु गर्म होती जाती है, इसकी वाष्प जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है, क्योंकि आर्द्र दिन में हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता, हम सहज महसूस करते हैं। जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है, जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है, वायु में तैर न सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, इंजनों से निकली नमी हवाई जहाज के द्वारा जो पीछे सफेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं, इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, नमी संघनित हो जाती है। इसे हवाई जहाज जब निकलती है तो उसके पीछे एक सफेद प्रकार की लाइन दिखाई देती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो सफेद पथ जो चिन्ह है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जा रहे हैं, वर्षा जल अनवरत पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में पहाड़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले होती है सहवनी वर्षा। वर्षा के प्रकार सहवनी वर्षा, दूसरी पर्वतीय वर्षा,
और तीसरी होती है चक्रवाती वर्षा। वर्षा के तीन प्रकार है, पहला है सर्वदी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। तो तीन प्रकार से वर्षा होती है। पौधे तथा जीव जंतु के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, और यदि वर्षा कम होती है तो हमारे यहाँ अकाल पड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। ओलो सर।